जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया होगा कि मैं इस वीडियो के अंदर आपको बैकग्राउंड को रिमूव करने का जो तरीका है वो बताने वाला हूँ। क्योंकि देखिए यार, जिनके पास ग्रीन स्क्रीन है वो आसानी से रिमूव कर देते हैं बैकग्राउंड को, उनको कोई दिक्कत ही नहीं आती। वो ऐसा ऐसा बैकग्राउंड लगा देते हैं पीछे जो उसी जगह पर था, ऐसा लगता है रियलिटी लगती है बिल्कुल। कभी आईफोन टावर का लगा रहे हैं, कभी कैसा लगा रहे हैं, बिल्कुल रियल लगता है सब कुछ। लेकिन अब उनका क्या, जिनके पास ग्रीन स्क्रीन नहीं है, जैसे कि मैं, मेरे पास ग्रीन स्क्रीन नहीं है लेकिन फिर भी मैं बैकग्राउंड को रिमूव कर देता हूँ। चाहे कैसा भी मेरा बैकग्राउंड हो, कैसा भी डिफ़िकल्ट बैकग्राउंड हो मेरा पीछे का, मैं उसको फिर भी रिमूव कर देता हूँ परफेक्टली। आप भी ऐसा कर सकते हो। इस वीडियो को पूरा देखना, आपको सब समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको करना है, क्या करना है। बहुत ही ईजी है, हार्ड से हार्ड फोटो का बैकग्राउंड आप रिमूव कर सकते हो। सो राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है दीपेश सिंह, टेक्निकल डायरेक्शन में आपका स्वागत है। लेके आ गया हूँ फिर से एक और कमाल की वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। सो सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है। इसके अंदर जो मैं वर्ड बता रहा हूँ सिंपल वही एज इट इज आपको लिखना है। इसके अंदर आपको लिखना है remove.bg, यस remove.bg आपको लिखना है। सबसे पहली जो लिंक आती है, सबसे पहला जो खुलेगा उसी को आपको इंस्टॉल कर लेना है। उसको इंस्टॉल करने के बाद आपको करना है उसको ओपन। ओपन करते ही वो कुछ आपसे परमिशंस मांगता है, उन परमिशंस को आप अलाउ करोगे। सब करने के बाद आपको वहाँ पे सिंपली लिखा हुआ आता है अपलोड इमेज नाम का ऑप्शन दिखता है, ब्लू कलर में दिख रहा है। इस अपलोड इमेज पे आपको क्लिक करना है। आपकी जहाँ पर भी कोई भी फोटो है उसको आप लीजिए और इसके ऊपर अपलोड कर दीजिए। इसके अंदर दो स्टेप्स के अंदर होगा। सबसे पहला आता है कैच करने का, सो वो आपको कैच करता है। इसके अंदर प्रोसेसिंग चलती रहती है, आपकी इमेज को वो लोड कर रहा है। सेकेंड स्टेप आता है बैकग्राउंड को रिमूव करने का, उसमें भी थोड़ा बहुत लोडिंग चलती है। जैसा कि आप देख रहे हो इसके अंदर परफेक्टली रिमूव हो चुका है आपका बैकग्राउंड। अब आती है इंपॉर्टेंट चीज़। अब इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि आपके नीचे जो है आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। ऊपर ही ऊपर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है डाउनलोड प्रीव्यू, और नीचे आपको दिखाई देता है डाउनलोड इमेज ओरिजिनली। सो देखिए कि आप हाई क्वालिटी के अंदर अगर अपनी वीडियो को डाउनलोड करना चाहते हो तो वो सिर्फ एक बार कर सकते हो। इसके अंदर सिर्फ एक बार के लिए वो फ्री है, बाकी आप डाउनलोड प्रीव्यू को कितनी बार भी कर सकते हो वो आप अनलिमिटेड है, उसको कितनी बार कर दो। और अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि प्रीव्यू के अंदर भी अगर आप उसको डाउनलोड करते हो ना, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के अंदर आपको वो भी मिल जाता है। और उसको थोड़ा बहुत अगर दूसरे ऐप्स के अंदर जाके आप थोड़ा बहुत एडिट करते हो तो आपको बहुत ही परफेक्ट इमेज मिलती है, बहुत ही अच्छी एडिटिंग हुई बैकग्राउंड रिमूव एक आपको इमेज मिल के आ जाती है। सो आपके पास जो ये दो ऑप्शन आते हैं, एक तो पे का और एक वैसा। सो मैं प्रेफर नहीं करूँगा कि आप पे करके थोड़ी बहुत क्वालिटी जो है सिर्फ वो इम्प्रूव हो सिर्फ पे करने के बाद। सो ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ डाउनलोड प्रीव्यू को करते हो उससे आपके पास काफ़ी अच्छी इमेज आ जाएगी। सो आप डाउनलोड प्रीव्यू पे करोगे जो कि बिना साइनअप के हो जाता है। सो इसको करने के बाद आपकी इमेज जो है वो डाउनलोड हो जाएगी जहाँ पर भी आप उसे डाउनलोड करना चाहते हो। जैसा कि आप देख सकते हो कि आपका जो बैकग्राउंड है बिल्कुल परफेक्टली रिमूव हो चुका है। अब इसके अंदर जैसे ही आप ये वीडियो खत्म होना, आप इसके अंदर हार्ड से हार्ड जो बैकग्राउंड है ना वो रिमूव करके देखना, आपका बैकग्राउंड वो भी रिमूव हो जाएगा। हार्ड से हार्ड बोल रहा हूँ मैं, सब बैकग्राउंड इसके अंदर रिमूव हो जाता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए काम की रही होगी और आपकी नॉलेज भी इस वीडियो को देखने के बाद बढ़ी होगी। सो इस चैनल को करना है आपको लाइक और करना है सब्सक्राइब, क्योंकि अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो यार सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, हमको भी थोड़ी खुशी मिलती है और आपको भी थोड़ी खुशी मिलती रहेगी जैसे हम वीडियोज लेके आते रहते हैं। सो तब तक के लिए करो मजे और हैव अ नाइस डे।